See students, this is Ejaz's Maths Academy. Ritesh has asked me a question. Question number 21 कैसे solve किया है और उसमें कुछ steps आई है, उसमें रितेश को थोड़ा doubt लग रहा है. तो doubt को समझाने के लिए मैं पहले law of conservation of angular momentum derive करके बता देता हूँ और फिर उसके बाद I will solve question number 21 for Ritesh and for those who could not understand the previous solution. ठीक है, let us start. See, law of conservation of angular momentum मैं short में समझाऊंगा क्योंकि this is not the time to study background जो हम पढ़ चुके हैं, वो वीडियो में फिर से आप लोग देख सकते हो चाहे तो. न्यूमरिकल सॉल्व करने से पहले फिर भी एक बार मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ. बाय डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू लीनियर वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम का डे टू डे लाइफ में मीनिंग क्या होता है? गोल घूमते समय अगर आप समझो शादी के फेरे लगा रहे हो या किसी चीज़ के गोल 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 दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, तो गोल घूमते समय आप कितने जोर के किसी को धक्का लगा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. अगर आप भारी हो और आप बहुत ज़ोर ज़ोर के घूम रहे हो तो आपका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा रहेगा. और आप बहुत दुबले पतले हो, छोटे मोटे हो और आप गोल गोल पैदल पैदल घूम रहे हो तो आपकी टक्कर लगेगी किसी से तो उसको ज़्यादा ज़ोर का धक्का नहीं लगेगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम कम होगा. सो एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी विल राइट डिफ्रेंशिएटिंग, मैं रफ लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स डब्ल्यू आर टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वी विल गेट डी एल बाई डी टी, है ना, डी बाई डी टी ऑफ एल एंगुलर मोमेंटम. वॉट इज इट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा. अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत समय से पढ़ रहे हैं और हमें ये मालूम हो गया कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है. तो हमें मालूम है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजिशन फिक्स्ड है तो फॉर अ पर्टिकुलर शेप मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट अबाउट अ गिवन पर्टिकुलर एक्सिस. तो हम लिखेंगे डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाहर निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी. और फिर बचेगा क्या? डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा. नाउ वॉट इज डी ओमेगा बाई डी टी? ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी होता है और डी ओमेगा यानी एंगुलर चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम. सो ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंड हम इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. सो डी एल बाई डी टी बिकम्स आई इंटू ए. बट किंतु लेकिन परंतु हमें मालूम है टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है. ये भी एक डेरिवेशन हम सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर में, ये डेरिवेशन इससे पहले आ चुका है. अब इसका प्रूफ डिराइव करना ये एक लंबी कहानी हो जाएगी. तो जिस तरह लीनियर मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में हम फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, उसी तरह टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन. तो यहाँ हम लिख सकते हैं फिर डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क. इंस्टेड ऑफ आई इंटू अल्फा वी कैन राइट टॉर्क. ठीक है, अब इफ़ टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज ज़ीरो, टॉर्क ज़ीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा? डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. और डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, इसी का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या बोल सकते हैं हम कि डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू डी टी. ज़ीरो इंटू डी टी यानी ज़ीरो. और डी एल का मतलब क्या होता है? हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं डी एल डी आर डी एस. डी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल स्मॉल चेंज. सो डी एल का मतलब होता है एल टू माइनस एल वन इज इक्वल टू ज़ीरो. वॉट इज़ एल टू? फाइनल एंगुलर मोमेंटम. वॉट इज़ एल वन? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. अगर मान लो एक लड़का है, पहले शादी के फेरे लेते समय पहले के चार चक्कर उसने बहुत फास्ट में घूमते घूमते लगाया तो हम क्या बोलेंगे? ये बहुत फास्ट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत फास्ट में घूम रहा था ये, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पहले ज़्यादा था. और बाद के तीन फेरे उसने बहुत पैदल पैदल लगाए धीरे धीरे तो हम बोलेंगे इसका आखिरी का एंगुलर मोमेंटम कम था. ठीक है, आखिरी में धक्का मारने की ताकत इसकी कम थी तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ गया, पहले ज़्यादा था बाद में कम था, ऐसा हो जाता है. लेकिन अगर कोई लड़का सेम स्पीड से फेरे ले रहा है, ना तो स्पीड बढ़ती है गोल घूमने की, ना तो उसकी गोल घूमने की स्पीड चेंज होती है, ना ऑर्बिट चेंज होता है,
तो हम कहेंगे कि इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो L2 माइनस L1 इसकी जगह हम ऐसा लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो, इसकी जगह लिखेंगे L2 इज इक्वल टू L1। अब ये समझ गए, L2 का मतलब L यानी क्या होता है I ओमेगा, तो L2 का मतलब क्या होगा, L1 का मतलब क्या, L2 का मतलब क्या होगा I2 इंटू ओमेगा 2। L यानी I इंटू ओमेगा होता है, ये स्टार्टिंग में इस पहली स्टेप में डेफिनेशन दिख रही है हमको। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी, और L1 की जगह हम लिखेंगे I1 ओमेगा 1। ठीक है, इसके पहले डेरिवेशन में हमने ये भी प्रूव करके दिखाया है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है। ठीक है, तो ये बस वैसे तो प्रूफ यहीं तक है, और इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एक्सटर्नल टॉर्क लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता, और कांस्टेंट रहता का मतलब ये कि जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रहता उतना फाइनल रहता, वो कांस्टेंट रहता, उसकी वैल्यू कम भी नहीं होती और ज़्यादा भी नहीं होती। सो इफ़ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज ज़ीरो, एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज ज़ीरो, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसको हम चाहे तो ऐसा भी बोल सकते थे कि इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स, इट्स एंगुलर इट्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इट्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये पूरा स्टेटमेंट हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ़ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज ज़ीरो देन इट्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इट्स फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ऐसा भी बोले तो करेक्ट होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको क्लियरली, शेडो आ रहा है थोड़ा फ़ोन का, फिर भी आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस साइड में मैंने बोर्ड के इस साइड में ये डेरिवेशन सॉल्व किया है, और ये स्टेप याद रखना है, L1 L2 इज इक्वल टू L1, ये हम उल्टा भी बोल सकते हैं, L1 इज इक्वल टू L2, और L1 यानी क्या होता है I1 इंटू ओमेगा 1, और L2 यानी क्या होता है I2 इंटू ओमेगा 2। अब हम अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, अ फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर अर्दनवेयर पॉट्स, एक डिस्क है, बहुत बड़ा डिस्क है जो कुम्हार लोग यूज़ करते हैं ना, मटका घड़ा बनाने वाले, सो ऐसा एक बहुत बड़ा डिस्क है और उसको गोल गोल घुमा रहे, और उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितने चक्कर पर मिनट घूमता है वो, तो उसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी, अब मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अपन वो क्वेश्चन देख चुके हैं वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में, और अब तो मार्केट में टेक्स्ट बुक भी आ गई है, तो आप टेक्स्ट बुक से भी ये क्वेश्चन 21 देख सकते हो। सी एंड वी विल डिनोट फ्रीक्वेंसी बाय एन, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो वो जो डिस्क गोल गोल घुमा रहे वो 100 RPM कर रहा है, एक मिनट में 100 रोटेशंस घूम रहा है, यानी बहुत फास्ट में वो चक्का घूम रहा है, कुमार जो है मटका बनाने के लिए बहुत फास्ट में घुमाता है उसको, वैसे खाली डिस्क घूम रहा है अभी। ठीक है, डिस्क पे कोई मास नहीं रखा है, कोई मटका घड़ा कुछ नहीं रखा है, इसको हम RPM यानी रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 100 कर रहा, तो एक सेकंड में कितने करेगा, कम करेगा 100 से, एक मिनट यानी 60 सेकंड में बहुत कर रहा है वो, एक मिनट में 100 कर रहा है, तो एक सेकंड में कितने करेगा, 100 डिवाइडेड बाय 60 करेगा, और वो होगा रोटेशन पर सेकंड, और इसी को सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 10/6 यानी 5/3 रोटेशन पर सेकंड, और रोटेशन पर सेकंड को ही हर्ट्ज भी कहा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो ये पहले फास्ट में घूम रहा था, डिस्क के शेप का है, और इसका मास कितना है, तो मास ऑफ द डिस्क, ये जो डिस्क गोल गोल घूम रहा है इसका मास कितना है, तो इसके मास को अपन कैपिटल M से बता देंगे, तो डिस्क का मास है 10 kilograms, वो जो मटका बनाने का घड़ा बनाने का जो डिस्क है गोल गोल घूम रहा है उसका मास है 10 kilograms, उसकी रेडियस कितनी है डिस्क की, 0.4 meters है, इतनी रेडियस है, ये गिवन डेटा है। ठीक है, और ये देखो मैं ऐसा डिस्क बना देता हूँ, यहाँ पर एक रफ बना लेता हूँ, ये डिस्क है और डिस्क की ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही, और पहले डिस्क गोल गोल घूम रहा है, अपने को मालूम है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से बीच में से पास होती है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, यानी डिस्क आड़ा है और एक्सिस खड़ी है, ठीक है, एक्सिस ऐसी खड़ी है और डिस्क आड़ा है, तो दोनों डिस्क और एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा इसका, आई वन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, एंड दैट इज़ MR² / 2।
अकेला डिस्क है इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इसी डिस्क पर, यही डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू रहेगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसी डिस्क पर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू था, इसके ऊपर एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डॉट बनाया मैंने, एक पार्टिकल, ये डॉट जो बनाया मैंने क्लियरली दिख रहा है कि डॉट के, मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर दूँ, रिमेंबर हालांकि आइडेंटिकल डिस्क है लेकिन क्लियरली दिखना है इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है डायग्राम थोड़ा सा। ये वो मास है, यहाँ पर एक बिंदु बना दिया मैंने। तो ये क्या है, एक पार्टिकल, एक मिट्टी का ढेला, मिट्टी का टुकड़ा, एम पी यानी मास ऑफ द पार्टिकल, एक्चुअली वो पार्टिकल नहीं है सच में देखा जाए तो, 1.6 किलोग्राम की मिट्टी है, गीली मिट्टी, 1.6 किलोग्राम की गीली मिट्टी का टुकड़ा, डिस्क जो गोल घूम रहा था डिस्क, उस गोल घूमते हुए डिस्क पर वो मिट्टी का टुकड़ा आके चिपक गया, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर चिपका वो, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेंटर से एट अ डिस्टेंस एक्स आकर चिपक गया, कितने डिस्टेंस पर, एक्स, कहाँ से ये डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एट अ डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मिट्टी का ढेला आके वो चिपक गया, किस पर, डिस्क पर। और अब डिस्क घूम रहा है तो उसके साथ साथ मिट्टी का ढेला भी घूम रहा है, मिट्टी चिपक गई डिस्क पर तो डिस्क के साथ साथ वो भी घूम रहा है। तो अब ये जो I2 है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, क्योंकि डिस्क के ऊपर मास गिर गया तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, उसका मास भी बढ़ जाएगा, है ना। और उसकी गोल घूमने की जो फ्रीक्वेंसी थी, पहले एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा था, 100, अब कितने चक्कर लगाएगा वो, क्वेश्चन में गिवन है, अब वो 80 RPM कर रहा, अब वो सिर्फ 80 चक्कर लगा रहा है एक मिनट में, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसको RPS में कन्वर्ट करना है तो 80/60 RPS लिख देंगे हम, और वो हो जाएगा 4/3 Hz। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 20 से तो 23 and 24, तो उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी कम हो गई। क्यों, अब धीरे धीरे क्यों घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी क्यों कम हो गई उसकी गोल घूमने की, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी गिर गई। तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, तो ये देखो ये मास यहाँ पे आके गिरा, तो मास को क्या कहा है, क्वेश्चन में बोला मास यानी पार्टिकल है, और एक सिंगल पार्टिकल रहा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और मास कितना है उस पार्टिकल का, एम पी, मास ऑफ द पार्टिकल इज़ एम पी, और कितने दूर जा, कितने डिस्टेंस पर चिपका है वो, एट अ डिस्टेंस एक्स, तो हम लिखेंगे एम इंटू एम पी इंटू एक्स स्क्वायर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिंगल मास, सिर्फ वो जो मास है, वो जो मिट्टी का ढेला है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, एक ही पार्टिकल है ना वो, तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, देखो मैं यहाँ आई टू इज़ इक्वल टू लिख रहा, यहाँ पर गोल घूम, कौन कौन चीज़ें गोल घूम रही है, एक तो डिस्क घूम रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाय टू, प्लस और क्या चीज़ घूम रही है, तो मिट्टी का ढेला, मिट्टी का पेंट घूम रहा है, वो मिट्टी जो गीली मिट्टी चिपक गई, और गीली मिट्टी को पार्टिकल की तरह ट्रीट करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है, तो गीली मिट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो वो गीली मिट्टी का मास कितना है, लेट अस सपोज उसका मास एम पी है, जो कि गिवन है 1.6 किलोग्राम्स, और कितने डिस्टेंस पर है वो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स, एक्स डिस्टेंस पर है वो, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस किस का है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वो मिट्टी के ढेले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिट्टी के पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये हमको फाइंड करना है। चलो अब सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, हमने गिवन डेटा लिखे, आई होप के रितेश आपको क्वेश्चन समझ गया होगा। चलो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, रितेश के अलावा बाकी भी मेरे स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये वीडियो है, अगर आपको इसके अलावा कोई और भी न्यूमेरिकल में कहीं डाउट डिफ़िकल्टी लगती है तो बंदा आपके लिए हाजिर है, आपके सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। तो देखो क्या होता है सॉल्यूशन, बाय लिखेंगे हम बाय लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, बाय लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर ने लिख देता हूँ, चलो ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, डॉक्टर फेल हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 इज इक्वल टू L2। अब ये जब गोल घूम रहा था डिस्क, तो बाद में इसको आके किसी ने और धक्का लगाया क्या, नहीं, ऑलरेडी ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, पहले फास्ट में रोटेट हो रहा था, अब मिट्टी का पेंट गिर गया तो धीरे धीरे रोटेट होने लग गया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कम होगी,
तो एंगुलर मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, क्योंकि बाद में इसको किसी ने गोल नहीं घुमाया, किसी ने इसको रुकाया भी नहीं, तो गोल घूमते समय अपने आप गोल घूम रहा, अपने आप स्लो हो रहा मिट्टी का पेंट गिरने के कारण। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब L1 का मतलब क्या होता है, I1 इंटू ओमेगा 1 हमने अभी डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, और L2 यानी I2 इंटू ओमेगा 2। अब I1 तो I1 है, I1 की जगह हम क्या लिखेंगे, पहले कौन I1 कितना है, सिर्फ अकेला कौन सी चीज़ घूम रही है, डिस्क घूम रहा है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। एम यानी कैपिटल मास ऑफ द डिस्क, कैपिटल एम यानी मास ऑफ द डिस्क, कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ द डिस्क, और उसके साथ क्या है ओमेगा 1, तो ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई एन, और ओमेगा 1 है तो 2 पाई एन 1। ओमेगा यानी ओमेगा 1 यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, पहले डिस्क फास्ट घूम रहा था, और 2 पाई एन 1, एन 1 यानी इनिशियल फ्रीक्वेंसी, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी 100 आरपीएम थी, फास्ट घूम रहा था। और सेकेंड टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो अब दो चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, किस किस का, एक तो एम आर स्क्वायर बाय 2 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि अकेला डिस्क भी है, प्लस उसके साथ और कौन सी चीज़ घूम रही है साथ साथ में, मिट्टी भी घूम रही है, तो मिट्टी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मास ऑफ मिट्टी पार्टिकल इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, और मिट्टी कितने दूर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्स डिस्टेंस पर दूर है, तो एम इंटू एक्स स्क्वायर, एम पी यानी मास ऑफ पार्टिकल इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, पार्टिकल यानी मिट्टी का टुकड़ा, ठीक है। ओमेगा 2, अब ओमेगा 2, ओमेगा यानी फिर से हमको मालूम है 2 पाई एन होता है, और ये ओमेगा 2 है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा 2 की जगह एन 2 लिखेंगे हम, 2 पाई एन 2, एन 2 यानी फाइनल फ्रीक्वेंसी जो कि 80 आरपीएम है, 8080। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब तो बस मैथमेटिकल स्टेप्स बची है, तो ये 2 पाई और 2 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू एन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम N2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लिखते हैं MR स्क्वायर बाय 2 इंटू N2 प्लस MP इंटू X स्क्वायर इंटू N2, N2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आई होप कि इसके आगे का आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ और आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँगा, ठीक है, थोड़ा काम आपने भी करना चाहिए ना। तो मास कितना है डिस्क का, 10 किलोग्राम्स गिवन है, रेडियस कितनी है 0.4 है मीटर, ऐसा यूनिट्स में है सब, 0.4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। एन वन कितना लाए अपन ने, कितना दिया है 5/3 हर्ट्ज इज इक्वल टू, अब यहाँ एम आर स्क्वायर फिर से वही, एम कितना मास ऑफ डिस्क 10, आर स्क्वायर यानी 0.4 रेडियस ऑफ द डिस्क उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एन 2, फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 4/3 गिवन है, प्लस एम पी मास ऑफ मिट्टी का ढेला, तो इट इज़ 1.6 किलोग्राम दिया हुआ, इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, कितने डिस्टेंस पर मिट्टी आके गिरी है, एक्स डिस्टेंस पर गिरी हुई है, वही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि मिट्टी का जो पेंड आके गिरा है, मिट्टी का जो गीली मिट्टी का टुकड़ा जो आके गिरा है वो डिस्क पर, वो कितने मीटर दूर आके गिरा है, वो एक्स हमको फाइंड करना है, इंटू एन 2 की वैल्यू कितनी है 4/3, ठीक है। इसके आगे का आप सॉल्व करोगे और मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आई होप, मुझे मालूम है आपको मैथमेटिकल स्टेप्स आप इजीली सॉल्व कर लोगे, और आप ये सॉल्व कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/√8 मीटर्स, इतना अपना आंसर आएगा, ठीक है। और आंसर इन वर्ड्स भी लिखना, अभी अपनी ट्यूशन में तो नहीं भी लिखे तो चलता, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आपने आंसर इन वर्ड्स भी लिखना है, मार्च 2012 की बोर्ड एग्ज़ाम, 2012 की बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर इन वर्ड्स पर हाफ मार्क दिए थे उन्होंने, शब्दों में आंसर लिखने के लिए हाफ मार्क दिए थे, तो इसलिए उसके लिए भी हाफ मार्क रहता है, तो वो भी हमने लिखना चाहिए, वरना क्या है हमारा हाफ मार्क कैंसिल ना हो जाए। बात समझ में आ गई, आई होप कि ये मैं आपका शायद डाउट क्लियर करा सका हूँ, और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट डिफ़िकल्टी किसी भी न्यूमरिकल में, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए हैं 2 मार्क्स वाले 31 या 30 क्वेश्चंस दिए हैं, और 5 मार्क्स वाले शायद वो 10 क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस मैं आपको देने का सोच रहा हूँ, तो वो आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है, किसी भी न्यूमरिकल में डाउट आता है कोई नहीं जमता है तो मुझे क्वेश्चन भेजना, मैं इसी तरह सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस टाइम।